लगातार ईरान की ओर से भी धमकी जारी की जा रही है, क्योंकि चुप तो वो भी नहीं बैठने वाला है। तो क्या ईरान और अमेरिका के बीच का युद्ध पूरे विश्व को चपेट में ले लेगा? अभी अभी हमले की बात चर्चा पे थी, लेकिन अभी एक और हमला बगदाद में अमेरिकी दूतावास और एयरबेस पर रॉकेट से हमला, 5 से ज्यादा लोग घायल। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। जैसे ही 2020 शुरू हुआ है, तब से इनका एक दूसरे के बीच का तनाव बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। शनिवार रात को इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर 3 रॉकेट से हमले किए गए। ये हमला अमेरिका दूतावास के नजदीक और अमेरिकी एयरबेस पर हुआ था। हमले में 5 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। माना जा रहा है कि ये हमला ईरान की ओर से किया जा रहा है। हमले के बाद अमेरिकी दूतावास के पास की सड़क को बंद कर दिया गया है। आपको क्या लगता है कि अमेरिका इसका जवाब देगा या वो युद्ध को शांत करने की कोशिश करेगा? और अगर युद्ध चलता रहा तो क्या ये विश्व युद्ध 3 में बदल जाएगा? और अगर विश्व युद्ध 3 में बदला तो इस पे भारत का क्या प्रभाव पड़ेगा?